समय आप देख सकते हैं देवरिया में जो घटना घटी है वो अलग जो कि रूप ले ली है, जिसमें समझिए कि दो लोग के आपसी जो कि मतलब विवाद के कारण एक गांव में 41 लोग जो कि 30 साल बाद जेल में जाते हैं। इसके पीछे कहानी क्या है, आइए आज हम एक पीड़िता से सुनने का प्रयास करेंगे। का नाम पढ़ी दादी? मालिक है। आपन नाम बताइए। हमार कालिंदी देवी। अच्छा, एगो बात बताइए, रउआ संगे केंगन का भइल बा, रउआ घर के जेल में गइल बा? मेरे मालिक। अच्छा, आपके मालिक जेल में गए? मेरे मालिक हैं। तो जेल में जाए के वजह का रहे आज से 30 साल पहले? वो जे यही हैं जे वो लाला लोग के घर से आओ सीनाथ हैं उनके घर से लफड़ा। लाला जी के घर का नाम क्या है, मतलब जो जिनके साथ झगड़ा चल रहा था? मुन्ना है। मुन्ना नाम है, मुन्ना श्रीवास्तव। हाँ, मुन्ना श्रीवास्तव है। तो एक बात बताइए, 30 साल पहले आप आई होगी, तो उस समय तो आप मतलब कि नई नई आई होगी अपने घर। हाँ। तो 30 साल पहले कैसे क्या हो गया कि दो लोग के झगड़ा में पूरा जो कि 41 लोग आज जेल में गए हैं, इसके पीछे क्या कहानी है थोड़ा बताइए। इसके पीछे की कहानी मालूम नहीं है मेरे को, जब बाहर में निकलती नहीं हूँ तो मालूम नहीं है, लेकिन यही सुने हैं कि वो बाजार जा रहे हैं लाला लोग के घर के, आई बाजार से आ रहे हैं, बाजार से आ रहे हैं तो गाड़ी लड़ गई, गाड़ी लड़ गई तो गिर गए थी छोटे लाल, गिर गए तो कुछ बोल दिए उल्टा सीधा बोल दिए, तो उसी पर वो लोग सब लोग आ गए। आके अब क्या हुआ नहीं पता। उसके बाद से मतलब वो सब लोग आ गए उनके घर पर, और ऐसा हमें सुनने में मिला है कि बाकी यहाँ के बहुत सारे लोग गए थे उनके द्वार पर मीटिंग करने के बाद। अच्छा, बाद में मीटिंग करने के बाद गए थे? हाँ, गए बाद में मीटिंग किए, एक दो मीटिंग किए बाजार में, मीटिंग के बाद दिन बार दिए होंगे कि इस दिन के हम लोग चलेंगे, फरी आएंगे, तो गोयल बहनी सब वह डंटा लेके। मैंने ऐसे में समझी कि उस समय मतलब कि आपसी थोड़ा झगड़ा गुस्सा वुस्सा होगा, तो हाँ। सभी लोग जैसे कि लेकर चले गए थे डंटा उंटा जैसे जो। हाँ, कि बात कहाँ बाता कहनी में काम बढ़ जाएगा, तो हाथ में जो लबदा उबदा लेके गए हैं बस। तो उसके बाद से उन लोग का क्या आरोप लगा कर आपके पति के ऊपर केस करवा दिए थे? मेरे पति को आरोप कुछ नहीं है, आरोप ये दुश्मन लगाए हैं। हाँ, मैंने बेवजह मतलब बेवजह आप पर मतलब केस हुआ। मेरे पति अपने बहन के घर हैं, मेरे बेटे को लेकर गया है पढ़ने के लिए, तब बेवजह दुश्मन मेरा दुश्मनी साध लिया। तो इस समय मान लीजिए वो वहाँ पर गए थे, उसके बाद से यहाँ पर गांव में कैसा कैसा क्या क्या हो रहा था, आप लोग हल्ला गुल्ला हुआ तो सुने होंगे आप उस समय? नहीं तो हालत तो उसके द्वार पर उधर है गांव के बाद, तो हम लोग वहाँ चौंपेंगे तब ना सुनेंगे। मतलब ऐसा हाँ। मैंने हम आपसे नॉर्मली बात कर रहे हैं, जैसे हम तो ये नहीं कर रहे हैं कि आप पूरा अच्छा तरीके से जानती हो। नहीं तो नहीं, जो पति मेरे घर नहीं है, अब मैं घर से बाहर निकलती नहीं हूँ, उस टाइम में छोटे छोटे बच्चे हैं तो नहीं निकलते, मेरे को कुछ मालूम नहीं है, लेकिन यही सुने हैं कि वो लोग लिखाए हैं कि डकैती करने आए हैं, डकैती किए हैं, ये उरिया बोरा डकैती किए हैं, प्लास्टिक का मग डकैती किए हैं, झाड़ू डकैती किए हैं, यही तो डकैती किए हैं। मैंने 41 लोग जो जेल में गए हैं उन लोग के ऊपर डकैती का, चोरी का ये सब आरोप लगा है। आरोप लगा, और ऐसा मारने उड़ने का भी आरोप लगा है का? मारने को हाँ, तो वो तो बंदूक चलाए हैं तो दो एक बूढ़ी है उसकी नाती मर गया। हाँ। अच्छा, इधर से मतलब ये जो आदमी गए थे इसमें से आदमी उन लोग के ऊपर चलाए थे का बंदूक? नहीं, वो चलाए हैं। अच्छा, और लाला जी चलाए हैं जो उसमें बंद है। हाँ, जिसमें बंद है वही चलाए हैं, तो एक बूढ़ी मर गई और एक उसकी नाती तुरंत मर गए। हाँ, तो इसीलिए वो लोग केस कर दिया, और आज मतलब कि 30 साल सजा काटने के मतलब 30 साल केस लड़ने के बाद मतलब कि एक कार्रवाई जो कि उन लोग का मतलब जीत हुआ ना। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो लोग गए हैं 41 लोग जेल में, तो उन लोग का निकलने का संभावना क्या बन रहा है अभी?
उन लोग को। हाँ, जैसे कि आपके पति भी गए हैं, बाकी तमाम जो इस गांव के लोग हैं, तो उन लोग का कैसे निकलने का क्या मतलब प्रोसेस हो रहा है, क्या तैयारी हो रहा है? लोग अपन मीटिंग कर रहे हैं जो कैसे निकाले जाए। हाँ, अभी मीटिंग चल रहा है, मीटिंग कर रहे हैं जो कैसे निकाले जाए, ये सोचते विचारते हैं। हाँ, तो इसमें ये भी हो सकता है कि बहुत ऐसे जो घर वाले हैं जिनके पास पैसा वैसा नहीं है, कुछ नहीं है, और 10 साल का सजा हो गया, उन यहाँ तक कि उन लोग का केस लड़ने का क्षमता भी नहीं है, चाहे जो भी मतलब बेल वेल कराने का क्षमता नहीं, उन लोग के लिए इस गांव के लोग क्या, यहाँ के सरपंच चाहे जो भी यहाँ के प्रधान जी हैं, उन लोग का क्या सोच रहे हैं? सब प्रधान क्या सोचे, प्रधान तो खुद ही बंद है। अच्छा, प्रधान ही बंद है? हाँ, प्रधान जी खुद ही बंद है, तो क्या सोचें, आप किसको शिक्षा देंगे? जब प्रधान यार रहेंगे तो हम तो शिक्षा मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो तो खुद ही बंद है, उसके परिवार भी रो रहे हैं, उसके बीवी भी रो रही है। कितना पूर्व प्रधान है मतलब गए हैं, ऐसा मैं सुना है कि 2-3 लोग जो पहले प्रधान रह चुके हैं वो भी जेल में गए हैं, ऐसा कितना लोग गए हैं? पप्पू प्रधान है। हाँ, पप्पू प्रधान है, उसके महाला के आदमी गए हैं। हाँ, उसके महाला के वीडियो में देखे थे कि मतलब एक साथ एक भी है बलिस्टर प्रधान, बलिस्टर चौहान, वो भी गए हैं। हाँ, वीडियो में देखे हैं कि एक शादी मतलब रुपाया है उनके घर के, मतलब एक दो दिन शादी था, शादी है वो गणेश चौहान, गणेश चौहान का लड़का का तिलक है, तो वो तिलक और शादी बता खत्म निपट गया। निपट गया। ये नथनी है, नथनी शर्मा, उनके लड़की का शादी है, वो भी निपट गए। हाँ, वो भी निपट। अच्छा, एक बात बताइए, इस वीडियो के माध्यम से यहाँ के सरकार जो भी है योगी जी से आप क्या, आप लोग का क्या कहना है? मेरे को मालूम नहीं है, ऐसे हम लोग को योगी जी से बात नहीं हो पा रहे हैं, हम लोग बात नहीं बोल रहे हैं। जैसे कि आप अपने पति के लिए अगर छुड़वाना चाहती है तो क्या आप उनसे कह सकती है कि हमारे पति निर्दोष हैं कि मतलब दोषी? यही ना कहेंगे कि मेरे पति निर्दोष हैं, उस दिन है नहीं, घर पर नहीं है, वो अपने बहन के घर गए हैं अपने लड़के को लेकर, वहाँ पढ़ रहा है, तो उसका स्कूल बर्बाद हो रहा है, तो स्कूल छोड़ने गए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जाते जाते जिस दिन 41 लोग गए, कैसे जेल मतलब कैसे पुलिस लेकर गई, कि पूरा गांव में आई थी क्या पुलिस उस दिन? हाँ, जिस दिन सभी लोग जेल में गए उस दिन पुलिस नहीं आई। हाँ, तारीख 3 डाले तो 2 तारीख पर लो हाजिर हुए, और 3 तारीख पर बुलाए कि इस तारीख पर यहाँ आ जाना, तो उस तारीख पर लोग गए, तो वहीं से पकड़ के जेल। हाँ, कर दी सभी लोग को। हाँ, वही देवरिया बुलाए। अच्छा अच्छा, देवरिया। हाँ, देवरिया। देवरिया इन लोग को सब लोग को मालूम है कि हम लोग को आज बंद होना है। हाँ, लेकिन ये नहीं क्लियर है कि मतलब बंदी हो जाना है। बंदी हो जाना है, कौन बंद होगा, कौन नहीं होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये पता नहीं है। इतनी पता है हम लोग को बंद होना है। यानी सबका 10 साल ही का हुआ है मतलब जेल, सबको 10 साल का है। बेल का मतलब कोई प्रावधान अभी नहीं बना है? नहीं हुआ है बेल को, अभी नहीं कुछ हुआ है, नहीं अभी सब लोग अपना उसे कोशिश करते हैं, लेकिन अभी हुआ कुछ नहीं। देख सकते हैं दोस्तों, ये देवरिया का वो मामला है जहाँ पर समझिए कि 2 पक्षों के कारण 41 लोग मतलब एक ही गांव के गए हैं जेल में, और ये प्रोसेस बहुत लंबा हो चुका है। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग भी गए जिनका उम्र लगभग कि 60 से 70 साल हो चुका है, और उनका समझिए कि 10 साल का सजा हो गया, तो अब कैसे क्या निकल सकते हैं? हो सकता है बहुत सारे कि उन लोग का जेल ही में कट जाए। क्या जी, उम्र तो मेरे पति के 65 हो गया है। 65 हो गया है। अभी सभी लोग यही कह रहे हैं कि इसी उम्र में यही बाकी है जेल। मतलब बहुत कुछ जवानी में जो चीज नहीं हुआ आज वो दिन देखने को मिल गया। हाँ। अब बिना समझे कि बिना कोई गुनाह किए। हाँ, हाँ। कोई गुनाह नहीं किए हैं उस दिन, वह है नहीं घर पर, है नहीं ये नाजायज किए हैं, दुश्मनी अपना साथ लिए, लेकिन ठीक है हम बर्दाश्त करते हैं, ऊपर वाला बर्दाश्त करे तब ना, हम तो बर्दाश्त करते हैं।
चलिए दोस्तों, देख सकते हैं तमाम बातें इनसे हुआ और इस केस के बारे में, इनके मतलब 41 लोग के बारे में हम पूरा जानकारी इनसे लिए और आप सभी को बताए कि कैसे कैसे उस समय घटना घटी थी। तमाम वीडियो देखकर आप लोग क्या समझे कमेंट में बताइएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये जानकारी हर लोगों के पास पहुँचे।